दोस्तों आज हम देखेंगे एथिलीन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन। तो एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसकी रिएक्शन देखेंगे HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि एक एच तो यहां चला जाएगा और क्लोरीन यहां चला जाएगा, ठीक है ना। यहां दोनों कंडीशन सेम है तो सीएल यहां जा सकता है, हाइड्रोजन यहां आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सीएल, इथाइल क्लोराइड बनेगा। अब ये तो ये यहां हो गया कि एक एच यहां चला गया तो CH2 की जगह CH3 हो गया, और क्लोरीन यहां आ गया तो CH2Cl हो गया, और ये क्या हो गया डबल बॉन्ड की जगह क्या हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड क्या कैसे हो गया इसको ही समझेंगे थोड़ा सा। और ये इसको हम C2H4 भी लिख लेंगे, C2H4, ठीक है। तो इसको देखेंगे इस रूप में लिख के, ये CH CH, दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहां लिख लिया, एक यहां लिख लिया, और ये CH और CH प्लस HCl, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लेंगे C, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक क्लोरीन इधर, और यहां रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। यहां क्या है, ये क्या है, ये एक क्या है C2H4 ही है, क्या है C2H4 है, ये C2H4 है, ये C2H4 है, ये C2H4 है, ये C2H4, लेकिन ये क्या है अभी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या है डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या करेंगे यहाँ डबल बॉन्ड करेंगे, ठीक है ना। अगर सिंगल बॉन्ड रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसको समझते हैं कि ये क्यों गलत हो जाएगा, तो यहां से देखते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, ठीक है। तो अब कार्बन में क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन पीरियोडिक टेबल में छठे नंबर पर आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, तो इसकी पहली वाली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी वाली में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये कार्बन है, कार्बन के पहली वाली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये बाहर वाली सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है, और इसको अष्टक नियम के अनुसार अपने बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको क्या 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कितना 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बाहर वाली सेल में अष्टक नियम को पूरा करने के लिए, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन करेगा 8 इलेक्ट्रॉन करेगा अष्टक नियम के अनुसार। इसको चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पर आता है हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसकी पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इस एटॉमिक नंबर कितना 1, इसलिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, और इसको अष्टक नियम के अनुसार इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने वो 2 इलेक्ट्रॉन एक कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन साझा करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसकी बैलेंसिंग कितनी हुई, वन। ठीक है, और जिसकी जितनी बैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्डों से जुड़ा होगा। जैसे कार्बन की बैलेंसी चार है, तो चार क्यों है वो यहां से आपको समझना है, और चार है तो कार्बन कितने, चार बॉन्डों से जुड़ा रहेगा, एक कार्बन चार बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। यहां पर भी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, यहां पर भी एक दो तीन चार, ये वाला कार्बन, ये एक दो और तीन और चार, ये वाला कार्बन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसके पहले वाली सेल में कितने, दो इलेक्ट्रॉन, दो, आठ और सात होते हैं। क्लोरीन क्या है, पहले दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ये दूसरी वाली सेल में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चार पांच छ सात आठ, और तीसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सात, एक दो तीन चार पांच सात, इसको आठ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सात, इसमें सात इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाली सेल में, और इसको अष्टक नियम के अनुसार बाहर वाली सेल में आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, एक, इसलिए इसकी वैलेंसी एक है, तो इसके बाहर वाली सेल तो ये कितने बॉन्डों से जुड़ा रहेगा, एक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। क्लोरीन यहाँ कितने, एक बॉन्ड से। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, वन है, तो हाइड्रोजन सभी जगह कितना, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और कार्बन की वैलेंसी चार है, तो कार्बन कितनी, चार बॉन्डों से जुड़ा है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार बॉन्डों से जुड़ा है। अब देखेंगे, इसे कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो ये हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब क्या करेगा, हाइड्रोजन को कितने, दो इलेक्ट्रॉन करने हैं, हाइड्रोजन को कितने, दो इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो ये इस कार्बन से साझा कर लेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन से ही साझा कर सकता है, बाकी और एक वैलेंसी होती है, तो देखो एक ही बॉन्ड बन सकता है, दो नहीं बनेंगे। यहाँ पर भी देखो सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी एक ही बॉन्ड बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके। ठीक है, अब इससे साझा कर लिया, तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो हो गए। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसके पास था और एक कार्बन का इसने साझा कर लिया, तो टोटल कितने हो गए, इसके पास दो हो गए। ठीक है, और बाहर वाली सेल में अष्टक नियम के अनुसार हाइड्रोजन में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब आ जाएंगे कार्बन पर। कार्बन का, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के खुद के कितने हैं, चार हैं, और एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, तो दो हाइड्रोजन हो गए, तो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितना हो गया, ये छह इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, टोटल हो गए छह इलेक्ट्रॉन। अभी इसको कितना, दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, बाहर वाली सेल में आठ इलेक्ट्रॉन करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए। आप क्या करेगा, इस कार्बन के पास भी है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो क्या करेगा, एक ये कर लेगा। तो अब कितना हो गया, कार्बन के पास से एक इलेक्ट्रॉन से अभी इसने साझा कर लिया, तो टोटल कितना हो गया, छह की जगह सात हो गया। अभी भी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अभी, अब यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड ही दिखाएंगे तो इसका मतलब अभी इसमें, मतलब कार्बन में क्या है, सात ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसमें क्या, इसमें क्या, सात ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जब ये डबल बॉन्ड हम दिखा देंगे, मतलब इस इलेक्ट्रॉन से भी साझा कर लेगा, तो कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है, पूरा नहीं हुआ है, और कार्बन के बाहर वाली सेल में आठ की जगह सात ही इलेक्ट्रॉन है, अगर सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड दिखा रहा है तो फिर आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक्सियल, एक्सियल में वो ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के बाहर वाली सेल में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात,
अब क्लोरीन को भी, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, वन होती है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, वन होती है, तो क्या करेगा ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, वैलेंसी एक एक है और एक ही एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब यहां से देख लेंगे, ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं, और ये कार्बन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं। ये वाला हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा। ये हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा। और ये वाला हाइड्रोजन है, हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा। और ये वाले हाइड्रोजन को हम इधर लिख दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख लो या इधर लिख लो, समझाने समझ में आना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन ये है, ये वाला, तो यहाँ पर बाहर वाली सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर वाली सेल में कितने, सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आप क्या करेगा, सेम कंडीशन है यहाँ पर कार्बन की तरह, आप पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, क्योंकि एक ही वैलेंसी है और उसके बाहर वाली सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो सेम कंडीशन है, इससे साझा कर लेगा, इससे साझा कर लेगा, ये इससे। क्लोरीन की क्या है, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वैलेंसी एक होती है, तो ये इससे साझा कर लेगा, ठीक है, और ये इस हाइड्रोजन से कर लेगा, ये इस हाइड्रोजन से कर लेगा, ठीक है। अब क्या है, अब यहां पर क्या है, अब देख लेते हैं कार्बन का, कार्बन के खुद के कितने हैं, चार हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, खुद के चार हैं, और तीन हाइड्रोजन से हो गए, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, ठीक है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, तो चार और तीन कितने हो गए, सात हो गए, सात इलेक्ट्रॉन हो गए अभी, और इसको एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, अगर बॉन्ड नहीं लगाएंगे तो भी ये गलत हो जाएगा। अभी इसको कितना, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है केवल, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है, तो क्या करेगा, इससे कर लेगा, तो एक इस कार्बन का ले लेगा, ठीक है, तो एक इस कार्बन का ले लेगा, तो टोटल सात की जगह कितनी हो जाएंगे, आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया, क्यों सिंगल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर क्यों डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ का इससे समझिए और यहाँ का इससे समझिए, ठीक है, कि कैसे सिंगल बॉन्ड रह जाता है और कैसे डबल, कैसे सिंगल बॉन्ड रह जाता है, कैसे डबल बॉन्ड रह जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको ये समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब एथिलीन पर क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया होती है तो CH3 और CH2Cl बनता है, ठीक है ना, इथाइल क्लोराइड बनता है। अब इसमें क्या है कि कार्बन क्या करता है, चार बॉन्डों से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन क्या एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है और क्लोरीन का एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है चार, क्यों चार रहती है, क्योंकि इसकी बाहर वाली सेल में चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं और अष्टक नियम के अनुसार जो कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, चार इलेक्ट्रॉन लेगा किसी दूसरे एटम से, चार इलेक्ट्रॉन लेगा उससे साझा करेगा, ठीक है ना, और जितने इलेक्ट्रॉनों की उसकी आवश्यकता होगी वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी, और जितने इसकी वैलेंसी होगी उतने ही बॉन्डों से वो जुड़ा रह सकता है या जुड़ा होता है, ठीक है। सेम इसी तरह हाइड्रोजन क्या रहता है, हाइड्रोजन में अष्टक नियम का क्या है, अपवाद है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में आठ इलेक्ट्रॉन ना रह के दो इलेक्ट्रॉन ही रहते मैक्सिमम रह सकते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, वन रहता है, तो उसकी उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक नियम के अनुसार, ठीक है, अष्टक नियम के अनुसार इसके बाहर वाली सेल में आठ इलेक्ट्रॉन ना रह के दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी वन है, तो ये मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर सकता है और एक बॉन्ड से जुड़ा हो सकता है, ठीक है, ऐसी क्लोरीन एक बॉन्ड से जुड़ा रह सकता है, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।